हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बढ़ती पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने किया मोदी सरकार के खिलाफ विधायक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन। प्रदेश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल एवं गैस की कीमतों को लेकर शुक्रवार को चौटन एवं सेडवा में चौटन विधायक पद्माराम मेघवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। विधायक सहित पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार हाय हाय के नारे लगाते हुए पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए उन्हें दोषी ठहराया। विधायक पद्माराम ने इस दौरान कहा कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के भाव घट रहे हैं, वहीं यहां पेट्रोल डीजल के भावों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। इस केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी को कारण बताते हुए इसमें कटौती करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अच्छे दिनों का वादा कर जनता को गुमराह कर भाजपा ने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन अब लोगों को सबसे अधिक बुरे दिनों का सामना करना पड़ रहा है। चौटन में धरनार्थियों को तिलोक पोटलिया, महेंद्र चौधरी, नरेंद्र भादू, नरसिंहा राम सूद्रा, जगदीश गोदारा, तन सिंह सनाव ने भी संबोधित किया। वहीं सेडवा के बाबा रामदेव पेट्रोल पंप के आगे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए पद्माराम मेघवाल विधायक चौटन, इन्होंने ये कहा, भारतीय जनता आपको पूछना चाहती है कि आपने 9,500 टंकिया दी, उस वक्त से दोबारा कितनी टंकिया भरी गयी? आज क्रूड की रेट 48 से 50 रूपए और आप 100 से ज्यादा डीजल और पेट्रोल की रेट क्यों रहे? आज ऐसा कौन सी आपने नया कानून ला लिया, ऐसी ऐसी नई कौन सी योजना लागू कर दी जो करोड़ों रुपए देश के गरीबों से किसानों से लूट के आप भारत का खजाना भर रहे हो और भारत की विकास दर दिनों दिन डाउन हो रही है। आज 7 से नीचे विकास दर, आजादी से आदम तक जो माइनस ऐसा काला था अभी कैसे आया, इसके बारे में आप जनता को जवाब दो। इस उपलक्ष्य ने हमने एक दिन का धरना रखा है और यदि समय पर डीजल और पेट्रोल की रेटें कम नहीं की तो हमारे नेताओं के निर्देशनों के अनुसार हम सड़कों पे आएंगे और मोदी जी और अमित शाह को दिखा देंगे कि भारत की जनता है जो कभी किसी से सहन करने वाली नहीं है। आपने बहुत अत्याचार कर दिया, आपने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मंदिर के नाम पर, गौ माता के नाम पर जनता को बहुत गुमराह किया। अब जनता सतर्क है और समय आने पर आपको दिखा दे। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।